Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shreshta. So guys, again random days in my life. तो ठीक है यार, अभी जब तक पढ़ाई वगैरह शुरू नहीं हो रही तब तक मैं आपको ऐसे ही अपने random days दिखाती रहूँगी. टेक्निकली देखा जाए तो इस वीडियो को होना तो वो चाहिए था जो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट करी है, स्ट्रीम रिलेटेड वीडियो एक्चुअली. बट गाइज, मैंने सोचा यार थोड़ा सा सस्पेंस और बढ़ा देना चाहिए. तो मतलब हाँ, स्टे ट्यून्ड, वीडियो आगे जाके आएगी. तो मतलब हाँ, मैं बता दी मेरे स्कूल कब से शुरू हो रहे हैं. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे स्कूल 3 तारीख से शुरू हो रहा है. बट उसके बाद मेरे को अपनी फ्रेंड का एक मैसेज आया कि यार तूने जो ब्लॉग डाला उसमें तूने गलत देख लिया मैसेज, 3 अप्रैल को नहीं 8 अप्रैल को खुलने वाला है. उसके बाद एक और मैसेज आया स्कूल की तरफ से कि जो स्ट्रीम मैंने सेलेक्ट करी है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के स्कूल 15 अप्रैल से खुल रहे हैं. तो मतलब हाँ, अभी 15 अप्रैल का वेट करूँगी मैं. एंड वैसे तो मैं एक्साइटेड बहुत हूँ स्कूल जाने के लिए, बट यार पता नहीं क्यों जैसे जैसे बड़े होते स्कूल मेरे को ऐसा लगता है कि यार स्कूल जाना इज बिट टेंशन वाला काम, आई डोंट नो व्हाई. तो हाँ मतलब अभी देखते हैं यार, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. एंड ऑल्सो आगे चल के क्या ब्लॉग्स चाहिए, अगर आपको चैलेंजेस वगैरह भी चाहिए ना तो एक बार नीचे कमेंट कर दो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोगों को कैसा कॉन्टेंट चाहिए. बाकी मैं अपनी तरफ से बढ़िया कॉन्टेंट देती रहूँगी. बस एक बार आप लोग यार आप अपनी चॉइस भी कमेंट करो कि यार हमें ये चैलेंज चाहिए या फिर ये वीडियो चाहिए, जिससे मेरे को वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. ऑल्सो द 9th graders हु हैव रिसेंटली कम टू द 10th, वो मुझसे नोट्स मांग रहे थे. यार देखो, अभी मैंने ना अपनी 10th की सारी बुक्स रख दी थी उठा के, एंड मतलब नोट्स वाला जो रजिस्टर होता है वो सब मैंने सब रख दिया था. एंड अब माय ड्यूटी इज़ टू कि उन सबको बाहर निकालना, देन फोटो क्लिक्स करके उनके एक PDF बनाना, फिर आप लोगों तक शेयर करना. तो थोड़ा सा यार टाइम लेता है, आई नो. मतलब बहुत टाइम से मेरे को एक रेगुलर कमेंट आ रहा है, दीदी प्लीज़ आप शेयर कर दो, प्लीज़ आप शेयर कर दो. लाइक मेरे को इतना पसंद नहीं है किसी से बुलवाना, बट यार मैं जितना जल्दी सब कुछ अपना क्लियर अप कर लूँगी ना, मैं फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. इट्स माई प्रॉमिस. बाकी तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारे साथ नोट्स तो पक्का शेयर करूँगी मैं. बिकॉज मैंने लास्ट ईयर जब मैं 10th में थी तब मैंने प्रॉमिस करा था कि यार जब मैं 11th पे जाऊँगी तो सारे चैप्टर्स के नोट्स दूँगी एक्सेप्ट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ ऋतिक सर के लेक्चर से पढ़ती थी तो नोट्स एज सच मैं नहीं बनाती थी, डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह. सो येस, मतलब बाकी चीज़ों के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी के भी, मतलब थोड़े थोड़े बना रखे, थोड़े थोड़े नहीं बना रखे, वो तुम्हें अपडेट्स पता लग जाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में. तो हाँ मतलब तुम टेंशन फ्री रहो, तुम्हें मैं दे दूंगी नोट्स एंड पक्का दे दूंगी यार, तुम टेंशन मत लो बस. ओके, तो चलो अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में. तो इस दिन मैं गई थी अपने भाई के स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल में थी ओरिएंटेशन. एंड एज यू नो कि 15 अप्रैल तक फिर से मैं घर पर बैठी रहूँगी, तो यार मेरा तो एक ही काम बनता है ना कि जो भी मैं घर पे कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सर एज सच कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जो भी कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो इस दिन मैं अपने भाई के स्कूल गई थी, एक ओरिएंटेशन थी. मतलब जब नई क्लास शुरू होती है तो वो लोग स्कूल में एक ओरिएंटेशन काइंड ऑफ थिंग रखते हैं, जिससे वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब सारे जो भी क्राइटेरिया होता है स्कूल का वो सब डिस्कस करते हैं. एंड मैं सुबह 7 बजे उठ के उसके ओरिएंटेशन में गई थी मम्मी के साथ, यहाँ पे साइन करा एंड देन उसके बाद अंदर बैठ गई. बताऊँ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, बट ठीक है यार, अटेंड कर लिया उसे. उसके बाद मतलब ये पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने सबको दी फ्रूटी, एंड उसके बाद मैं और मम्मी जा रहे थे हरी की बुक सेट वगैरह लेने. सो मतलब वही बुक्स लेने और थोड़ा थोड़ा कुछ काम जो था स्कूल में वो सब क्लियर अप करने. तो यहाँ पर उनका कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें हमें थोड़ी देर बैठना था, क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि जो अभी टाइम लगेगा यूनिफॉर्म एंड बुक्स वगैरह लेने में, तुम जाकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ सकते हैं. एंड यहाँ पे मिरर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा यार एक फ़ोटो खींच लेते हैं. फिर हमें पता लगा 9:30 हो गए, अब हमें नीचे चले जाना चाहिए. तो हम नीचे चले गए थे. उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैं स्टेयर से नीचे उतर के ये जो टेंट लगा हुआ है ना, यहाँ पे मैं जाने वाली हूँ बुक्स खरीदने के लिए, मतलब बुक्स को बाय करने के लिए, मतलब वही जा रही थी मैं. बीच में मम्मी ने बोला कि हरी को क्लास में से बुला लो, तो हरी की क्लास बच्चों से ढूंढ ढूंढ के, बच्चों से पूछ पूछ के हरी की क्लास तक पहुंची, एंड फाइनली मैं हरी को बुला के ले आई. गाइस अब हम जा रहे हैं फी स्लिप को बैंक में डिपॉजिट. तो मतलब हाँ, फीस वगैरह भी डिपॉजिट करवानी थी उसके स्कूल में, तो वही मैं और मम्मी करवा रहे थे. एंड मतलब पता है, मैं सच्ची बताऊँ मैं स्कूल जाके थक गई थी, बिकॉज इससे पहले वाले दिन हम यूनिफॉर्म के लिए गए थे पर हमें यूनिफॉर्म नहीं मिली थी उसकी. तो मतलब हाँ, एंड जाते हैं तो यार ऑफकोर्स कुछ खाना तो बनता ही है. तो यहाँ पे हमने खाए थे छोले कुलचे, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, एंड इनके ऊपर जो आलू होता है ना, दैट इज़ वेरी डिलीशियस, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है.
एंड काफी ज्यादा थक गई हूँ यार। आज का दिन प्रोडक्टिव था थोड़ा थोड़ा एंड थोड़ा 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 नहीं ज्यादा एग्जॉस्टिंग और टायरिंग था, बट ठीक है यार। मतलब अभी मेरे को ये दिनों में भी बहुत मजा आ रहा है, बट जब वो प्रॉपर पढ़ाई स्कूल वगैरह वगैरह तब तो और भी ज्यादा हेक्टिक होंगी चीजें, बिकॉज यार 11th ग्रेड है, थोड़ी सी तो मुश्किल होगी बट इंटरेस्टिंग भी होगी। तो मतलब स्टे ट्यून्ड रहना है एंड पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करके चलनी है। तो मतलब हाँ यार, चीज़ों को बहुत स्मूथली लेंगे एंड एकदम अच्छे से 11th क्लास और 12th क्लास को भी करेंगे एंड उसके बाद भी बहुत सारे मजे करेंगे। तो मतलब हाँ, अभी के लिए इतना ही कहना था कि यार मैं बाहर से आ गई हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ, दोबारा सो जाऊँगी। मतलब यार मेरे को कमेंट्स में बताओ कौन कौन ऐसा करते हैं कि बाहर थोड़ा सा गया उसके बाद आके सो गए हैं। तो ठीक है, ऑल्सो अगर तुम्हें बताना है, पूछना है कि मैंने कौन सी कोचिंग वगैरह मैं लूँगी, तो ऑफकोर्स मैं PW की ही कोचिंग लूँगी, ऑनलाइन वाली लूँगी, बिकॉज मेरे घर से लक्ष्मी नगर बहुत दूर पड़ता है। जो उनका लेटेस्ट सेंटर खुला है लक्ष्मी नगर में, वो मेरे स्कूल से मेरे घर से दूर पड़ता है, तो इसलिए वो भी मैं ज्वाइन ऑफलाइन वैसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ ऑफलाइन कोचिंग वगैरह, इसलिए मैं ऑनलाइन ही अपना घर पे बैठ के मस्त पढ़ूंगी। ऑल्सो गर्मियों की छुट्टियों में लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने का भी प्लान है, वो सब आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स में पता लगता रहेगा। सो यस गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज। ऑल्सो कौन सी मैंने स्ट्रीम ली है उसके बारे में भी अपकमिंग वीडियोज में ही आप लोगों को पता चलेगा। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बिकॉज उससे मेरे को तो काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ऊपर से तो वह भी बढ़िया कॉन्टेंट मिलेगा। तो हाँ, तुम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो गाइज, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दिस टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।